पहाड़ों पर पहले भी आया हूँ, पर ऐसे मनोरम दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। यही कुछ 22 सालों से यही परिवार बसा लिया है। ठीक है, तो फिर इस रविवार को शाम आप हमारे यहाँ चले आइए, थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी और साथ ही खाना पीना भी। मेरा मतलब निमंत्रण। किससे मिलना है? मैं अखिल प्रसाद हूँ, क्या ये दास बाबू का घर है? अचानक अंदर से आ रही लड़कियों की आवाज से मैं चौंक गया। वो देखकर दास बाबू ने कहा, अरे काची क्या कर रही हो? मेरे और दास बाबू की थाली में एक एक मुर्गी की टांग थी। काची अपने मुंह से मुर्गी की छाल और पंख निकाल निकाल कर मुर्गी की टांग मुंह से नोच कर खा रही। नहीं, मैं इंसान हूँ, आपकी तरह ही साधारण इंसान हूँ मैं। तो फिर वो एक लंबी कहानी है। तबादला होकर जब मैं इस इलाके में आया था, तब मैं एक नवयुवक था। अकेले ही पहाड़ों पर यहाँ वहाँ घूमता फिरता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैं पहाड़ी गांवों में लोगों के बीच घूमता और दोस्त ढूंढा करता था। एक दिन बाजार में मेरी मुलाकात हुई कांची से। पहली मुलाकात में ही ये प्यारी कांची मुझे बहुत अच्छी लग गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी गैरहाजिरी में मैं उसके घर चला गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता माँ? मैं कांची से प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ वो भी मुझसे प्यार करती है। हाँ हाँ, ये बात मैं जानती हूँ, मेरी बेटी ने मुझे बताया है, फिर भी संभव नहीं है। क्यों क्यों संभव नहीं है? मैं सरकारी नौकरी करता हूँ और फिर आप लोगों में जात बिरादरी को लेकर भी तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं नहीं, परेशानी वो नहीं है, और मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी को सुखी रखोगे। तो फिर वो इंसान नहीं है बेटा। क्या? ये क्या कर रही हैं? हाँ बेटा, वो मेरी बेटी है, सही है, मतलब मेरे गर्भ से ही पैदा किया है उसे। पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, मुझे समझ आया कि वो मतलब दरअसल वो इंसान नहीं, पिशाचिनी है। बिल्कुल नहीं, आप मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल रही हैं। झूठ नहीं है बेटा, ये झूठ नहीं है, वो रोज कच्चा मांस खाती है, ताज़ा मांस ही उसका खाना है। ना मिलने पर वो हिंसक हो जाती है और जो उसके सामने दिखता है चीड़ फाड़ कर खा जाती है, कुत्ते बिल्ली कुछ भी। जानते हैं, मैं तो कांप उठा, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतनी गुणवान अच्छी लड़की खून पीने वाली पिशाचिनी है। पर जवानी का प्यार वो भी तो झूठ नहीं था। जिससे प्यार करता हूँ उसे हर रात मैं एक मुर्गी भी नहीं खिला सकता क्या? और तो कोई कमी नहीं थी, मैं मान गया। क्या आप मान गए? हाँ, उसी दिन मैं कांची की माँ से कहे आया। क्या? शादी की तारीख देखिए, मैं कांची से जितनी जल्दी संभव हो शादी करना चाहता हूँ। उसी समय से कांची मेरी पत्नी है। मुझे कोई दुख नहीं है प्रसाद बाबू, मेरे घर संसार को उसने सजा कर रखा है। बस आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, इस बात का पता किसी को चलने ना पाए। छोटा शहर है ना, समझ रहे ना बात को? उसके बाद पूरी रात मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर पाया। आंखों के सामने कांची के मांस खाने का दृश्य घूमता रहा। सुबह की किरण निकलते ही किसी को बिना बताए ही निकल गया। ये बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहा था। उसके बाद पूरे विश्व में फैल गई कोरोना की महामारी। सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, ऑफिस वगैरह बंद हो गए, इसलिए अब वहाँ रहने की जरूरत नहीं। सामान समेटकर मैं कलकत्ते चला आया। आते वक्त दास बाबू से भेंट भी नहीं की। विभिन्न इलाकों से अलग अलग खबरें आ रही थी, इंसानों की मौत की खबरें, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के ना मिलने पर इंसानों में बेचैनी की खबरें। ऐसा लगा जैसे कलकत्ता शहर का और आसपास के हर क्षेत्र का पूरा नक्शा ही बदल गया हो। फिर समय के साथ साथ हालात सब जगह सामान्य हुए, तो अचानक ही एक दिन ख्याल आया कि दास बाबू और कांची कैसे हैं? चलो उनकी खबर ली जाए, इसलिए मैंने फोन किया, पर कोई जवाब नहीं। पता नहीं क्या हुआ, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसलिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं दार्जिलिंग जाऊंगा और एक बार दास बाबू से मुलाकात करके आऊंगा। मैंने टिकट कटवा ली। दार्जिलिंग शहर में पता नहीं अब पहले जैसी जान नहीं रही थी, जैसे एक बड़ा तूफान गुजरा हो। चारों तरफ कुछ होटल बंद थे। मुझे समझ आया कि टूरिस्ट के कम आने के कारण होटल का व्यवसाय मंदा चल रहा हो। खैर, पता लगाकर मैं एक होटल पहुंचा।
भोजपुरी उतनी अच्छी नहीं आती थी, फिर भी बैरा की लाई हुई चाय को एक सांस में पीने के बाद मैंने जानना चाहा, आप लोगन के यहाँ कोरोना का क्या हाल था? बाबू मैं हिंदी जानता हूँ, बर्धवान से यहाँ आकर काफी सालों से काम कर रहा हूँ, कोरोना में घर नहीं जा पाया, जो भी मिला उसे लेकर कह सकते हैं कि भीख मांग कर दिन काटा है, परिवार को कभी पैसे भेज पाया कभी नहीं भेज पाया, सारी दुकानें बंद थी, खाना नहीं जुटता था, कहीं भी पड़ा रहता था, मैं कहाँ जाता क्या करता आप ही बताइए। पर अभी तो लगभग सब कुछ ठीक है ना? अरे कहाँ कुछ ठीक है, इस होटल के मालिक कोरोना से मर गए, अब मालिक के बच्चे देख रहे करते हैं, और हम लोग जो पुराने लोग हैं हमने ही संभाल रखा है। ठीक है अब तुम जाओ। बैरा के जाने के बाद मैंने तुरंत बाहर जाने का फैसला लिया। रविवार छुट्टी का दिन, दास बाबू जरूर घर पर ही होंगे। नहा धोकर मैं निकल पड़ा। दोपहर रहते ही मैं दास बाबू के घर के सामने पहुंच गया। मैंने देखा उनके घर के सामने वाले सारे पेड़ पौधे खराब हो चुके थे, देखभाल की कमी के कारण पूरा जंगल बन चुका था। अरे ये दरवाजा ऐसे खुला हुआ क्यों है? दास बाबू, दास बाबू। कोई आवाज नहीं मिलने पर मैं अंदर चला गया। अंदर सब कुछ यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था, कांची का सजाया हुआ घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था, सब कुछ यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था, थोड़ा डर लगने लगा था। खिड़की के पल्ले हवा से ठक ठक की आवाज करने लगे, उस आवाज से मैं घबरा गया और जोर से आवाज देने लगा, दास बाबू, दास बाबू। कहीं से कोई आवाज नहीं आई। इधर उधर देखने के बाद किसी को ना पाकर मैं बाहर निकल आया। मन में खटका हुआ, तो क्या कोरोना में दोनों ही? फिर मैंने सोचा कि कल ऑफिस जाकर पता लगाऊंगा। दरवाजे से बाहर निकलते ही देखा एक पहाड़ी बूढ़ी महिला गेट के ग्रिल को पकड़कर खड़ी थी, जैसे वो महिला मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें आग के जैसे लाल थी। मैंने उससे उत्सुकता से पूछा, इस मकान के जो मालिक हैं दास बाबू, वो कहाँ है आपको पता है? नहीं, कहकर वो चली गई। उसका आक्रोश देखकर मैं घबरा गया। मैंने सोचा फिर ये मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? उस बूढ़ी महिला ने क्या मुझे चोर समझा था? अजीब है, उन्हें जाते हुए देखकर मैं भी वहां से चल पड़ा। मुझे देखकर ऑफिस में जो लोग नए थे वो मुझे नहीं पहचान पाए, पर अजीत बाबू वो तो ऑफिस में मुझसे भी पहले के स्टाफ थे। अरे प्रसाद बाबू, आइए आइए आइए, कैसे हैं? चाय पियेंगे? नहीं नहीं, होटल से चाय पीकर ही निकला हूँ। तो अचानक क्या बात है, तबादले का कोई नोटिस नहीं मिला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? दरअसल मैं यहाँ घूमने आया हूँ। अच्छा, दास बाबू नहीं आए? दास बाबू? हाँ, मेरे अंडर काम करते थे, इलेक्ट्रॉनिक स्टाफ। अजीत बाबू ये बात सुनकर थोड़ी सोच में पड़ गए। मैंने उनका चेहरा देखकर कहा, दरअसल मैं उनके घर गया था पर वहाँ मुझे कोई नहीं मिला। हाँ, वो उस घर में कुछ सालों से कोई रहता नहीं है, पर सुना था कि एक महिला उस घर पर नजर रखती है, और बाद में जानकारी मिली कि वो दास बाबू की ही सास है। तो फिर क्या कोरोना में? नहीं नहीं नहीं, कोरोना में नहीं। तो फिर? लगभग 2 साल पहले एक अजीब सी घटना घटी थी। कुछ दिनों तक दास बाबू की खबर ना मिलने पर जब हमने उनके घर जाकर देखा तो वहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त था, न वो थे और न उनकी पत्नी थी। फिर हमने तलाश शुरू की। 2 दिन बाद हमारे पास के गांव से किसी ने आकर खबर दी कि दास बाबू का शरीर महानंदा के जंगल में पड़ा है। हम लोग दौड़ कर गए तो देखा। क्या देखा? जो देखा वो बताने में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। कहिए 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 ना, क्या देखा? हमने देखा दास बाबू का आधा खाया हुआ शरीर खून से लथपथ अवस्था में पड़ा। क्या, आधा खाया हुआ शरीर? किसने खाया? पता नहीं, पर आश्चर्य तो इस बात का है कि उस जंगल में बाघ भालू का उत्पात हो ऐसा कभी सुना ही नहीं। सब अपनी किस्मत है, जो भी हो हमने ही बॉडी लाकर उसका क्रियाकर्म किया। और कांची, मतलब उनकी पत्नी? अरे महाशय, वो भी एक अजीब मामला था, उसका तो कोई अता पता ही नहीं। हमने खोजबीन की थी और इंतजार भी किया था कि पत्नी होने के नाते वो अपने पति के शरीर को लेने आएगी, पर नहीं। अब मरे इंसान के शरीर को हम ज्यादा दिन तो नहीं रख सकते ना, एक तो लॉकडाउन, सारी दुकानें बंद, बहुत तरह की समस्याएं। इसलिए आखिर में पता न चलने पर हमने दाह संस्कार पूरा किया। पर क्या? लोग कहते हैं कि बाघ या दूसरा कोई जंगली जानवर उनकी पत्नी को उठा ले गया होगा, सच या झूठ पता नहीं। दिमाग में सनसनाहट होने लगी। मेरी हालत देखकर अजीत बाबू ने मुझे पानी दिया, चाय दी।
चाय पीकर मैं तुरंत वहां से चल दिया। बिना किसी और देखे मैं होटल की तरफ बढ़ने लगा और बस मुझे याद आ रहा था वो अद्भुत दास बाबू का हंसता मुस्कुराता चेहरा और दास बाबू की वो बातें। ताजा मांस, मनुष्य पिशाच, अब मेहरबानी करके ये बात बाहर नहीं फैलनी चाहिए अखिल बाबू। लौट कर आने के बाद भी मैं वो सब भूल नहीं पा रहा था। बार बार सोच रहा था क्यों, आखिर क्यों। बाद में मुझे समझ आया कि ताजे मांस की लालच ने कांची को हिंसक बना दिया था। उस लॉकडाउन में कच्चा ताजा मांस न पाकर उसने अपने पति को ही चीर कर खा लिया। और दास बाबू तो प्रेम में अंधे हो चुके थे, शायद इसीलिए अपने प्यार की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।